पॉलिटी, संविधान सभा, विचार सर हेनरी ब्रिटेन के थे, व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस था। भारत मांग, बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज विधेयक पेश किए थे। गांधी जी ने 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, 1934 में एम एन राय यानी माधवेंद्र राय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। वायसराय लिंग लिखित को प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव कहा गया, 8 अगस्त 1940 में हुआ था, यह अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मांग की थी। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने इसे उत्तरीय थी चेक पोस्ट यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के विरुद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। नोट, जी ऑस्टिन बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे, सदस्य ए बी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। सिफारिश पर यह आया था, संविधान सभा का गठन हुआ था, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 पीच चीफ कमिश्नरी प्रांत से, दिल्ली अजमेर मारवाड़ और कुर्ग कर्नाटक से थे। संप्रदाय के आधार पर सदस्य सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4 और चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से 296 थे, 208 सीट कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, निर्दलीय 8 को, अन्य 7 को। संविधान सभा बहुसदस्य निकाय एंग्लो इंडिया और फ्रैंक एंथली, प्रथम पारसी समुदाय पीएच मोदी। संविधान सभा में अंबेडकर जी 1946 पूर्वी बंगाल में बंगाल से चुने गए थे। मुंबई या प्रेसिडेंसी की पुनः सीट एम आर जयकार का त्याग पत्र, फिर डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। संविधान का निर्माण, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसमें 208 सदस्य थे और दिल्ली में बैठक हुई थी। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान का प्रारूप तैयार बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा किया गया था, पेश किया गया था अक्टूबर 1947 में, जिसमें 243 को अनुच्छेद था और 13 अनुसूचियाँ थी। जांच करने के लिए प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में गठन किया गया था, अध्यक्ष थे अम्बेडकर, 24 अगस्त 1947 को फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, अनुच्छेद थे 315, अनुसूचियाँ थी 8। थर्ड रिपोर्ट थे अक्टूबर 1948 को। स्थानीय स्वशासन भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 1864 में लाया गया। इस प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिली। 1870 में मेयो द्वारा पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 1882 में रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन के एक प्रस्ताव पास किया गया। देश में उपखंडों, तालुकाओं बोर्ड और जिला बोर्ड बना दिए गए। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत इन प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। 1907 में शाही आयोग, अध्यक्ष सी ई एच हॉब हाउस रिपोर्ट पेश किया था। 1909 में पेश की गई थी सिफारिश से संस्थाओं का विकास किया जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में, नोट देन कॉर्टियस की लागू बंगाल रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। भारत शासन अधिनियम 1935 स्थानीय स्वशासन को राय सूची का जनक बना दिया गया।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसके तहत प्रथम योजना राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाई गई थी 1953 में। ये जनता तक नहीं पहुंच पाई और असफल हो गई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, अध्यक्ष बी आर मेहता, रिपोर्ट तैयार हुआ था 1957 में। पंचायत राज स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद स्वीकार 12 जनवरी 1958 को हुआ था। नोट, बी आर मेहता को स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार या शिल्पकार कहा गया। सर्वप्रथम प्रयोग 1958 को आंध्र प्रदेश में किया गया, जो असफल रहा। पंचायत राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव नागौर राजस्थान प्रथम गांव से लागू किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल के शासनकाल में हुआ था लागू। 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में लागू हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, 13 सदस्यीय संस्था थी। अध्यक्ष अशोक मेहता थे। द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की गई थी, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल परिषद। यह अस्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय स्तर 15 से 20 हज़ार जनसंख्या और 10 से 15 गांव को जोड़ना था। डॉक्टर पी वी के राव समिति 1985 में आई थी। रिपोर्ट 1946 में पेश किया गया था। सिफारिश पंचायत राज को 4 स्तरीय बना दिया जाए, 4 स्तरीय बना दिया जाए। राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। वित्त आयोग, पंचायतों का कार्य 5 साल का होगा। नियमित चुनाव होंगे। SC ST के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति 1946 ईस्वी, सिफारिश की थी। नंबर 1, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। चुनाव गैर दलीय होने चाहिए। ग्राम न्यायालयों की स्थापना हो। ग्राम पंचायतों का गठन हो। पीके युगल समिति 1988 में आया था। सिफारिश संवैधानिक दर्जा के लिए दिया जाए। पंचायतों का संबंध राज्य से न होकर केंद्र से हो। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989, राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। लोकसभा पास किया था, राज्यसभा पास नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। पंचायत राज से संबंधित है। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास कर दिया। राज्यसभा 23 दिसंबर 1992 को पास किया। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, कानून बना और लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 और 243 के एक तक कुल अनुच्छेद 16 अनुसूचियां 11 विषय 29 लागू। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य लागू करने वाला था। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 के कार्य ग्राम पंचायत में कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। ग्राम नोट, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम पंचायत मध्य स्तर पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था नहीं है। 4 स्तरीय पंचायत पश्चिम बंगाल में, ग्राम सभा, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। गठन अनुच्छेद 243 के बी में है। संरचना अनुच्छेद 243 के सी में है। पंचायतों के आरक्षण अनुच्छेद 343 के डी में है। SC ST के लिए महिलाओं के लिए 1/3 भाग। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के वन में है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाएँ 1687 में नगर निगम सबसे पहले मद्रास में बनाया गया था। 1773 के चार्टर 3 महानगरों में निगम की स्थापना की था, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, गोवा।
गुड। 1919 में नगरीय प्रशासन स्पष्ट प्रदान किए गए। 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और पीटी थे। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा पास किया, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा पास किया, राष्ट्रपति के पास गया और उनके 20 अप्रैल 1993 में हुए लागू पास कर दिए और 1 जून 1993 से लागू हो गया। संविधान में भाग अनुच्छेद 9 को जोड़ा गया अनुच्छेद 243 में, 243 के पी और 243 की जेड जी, अनुच्छेद 18, अनुसूची 12, कुल विषय 18 था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।